मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बिना वजह फसाद मत फैला, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह फसल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग, समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश भाई, महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह हमारे इदारे, जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। यह सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है, इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं, इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाल्लाह आप हमारे वहां इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ दिया तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालू इला कलिमतिन सवा इम बैनो बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में। आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद
एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएंगे। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं जकात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा